नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आपको पता हो इस बारे में, जो कि सीटेट वर्सेस टेट है। और उस पर आज एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला था लेकिन वो आया नहीं है, लेकिन जल्द ही हमें इस पर एक कोई निश्चित फैसला देखने को मिलेगा। हालांकि क्या कुछ रहा है हम बात करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। आप में से शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस केस के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मैटर है। और ये जो फैसला है, इस फैसले से वो सभी लोग प्रभावित होने वाले हैं जो भविष्य में शिक्षक बनेंगे, चाहे उन्होंने सीटेट दे रखा हो, चाहे वो किसी अदर टेट देने जा रहे हों, या जैसे अभी झारखंड टेट होने वाला है वो देने जा रहे हों। तो ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो फैसला आएगा इसका असर हमें इन सभी बच्चों पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि मैटर क्या है। तो देखिए, आप सभी जानते होंगे, और क्योंकि मैंने भी ये सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं तो मुझे भी पता है और मैं इस बात को समझता भी हूँ कि देखिए, ये जो सीटेट कराया जाता है, जनरली सीटेट ये सेंट्रल लेवल पर होता है और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसको वैलिड माना जाता है। खासकर जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनमें जो स्कूल्स होते हैं उनमें सभी जगह सीटेट को वैलिड माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें जो एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है या जो सीटेट का जो डिटेल नोटिफिकेशन आता है, उसमें ये बात कह रखी है कि जो सीटेट है वो सेंट्रल का है और इसके अलावा जो स्टेट हैं वो चाहे तो सीटेट को वैलिड कर सकते हैं अपने यहाँ, या फिर वो खुद से अपना स्टेट का कोई टेट करा सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टेट हैं जो कि सीटेट को वैलिड मानते हैं, काफ़ी सारे हैं जो नहीं, सीटेट को वैलिड नहीं मानते, सिर्फ अपने ही टेट को वैलिड मानते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो दोनों को ही मानते हैं, मतलब वो अपने स्टेट का भी टेट लेते हैं अलग से और साथ के साथ वो सीटेट को भी वैलिड मानते हैं। अब ये चूंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए, मैंने सीटेट भी दिया है तीन बार मैंने सीटेट दिया है। इसके अलावा मैंने राजस्थान जो रीट हुआ करता था उसको दो बार मैंने वो भी दिया है। तो जब हम इन एग्ज़ाम्स को देते हैं, रीट तो चले ठीक है, उस वक्त एक तरीके से मेरिट बेस उस पर होता था कि रीट के बेस पे आपको जॉब दी जाती थी। लेकिन अगर मैं बाकी जगह की बात करूँ तो एज अ टीचर अगर हम बात करें तो जनरली जो भी ये टेट होते हैं या सी टेट होता है, ये है क्या, ये एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और अगर मान के चले कि अगर मैं एक बार एलिजिबिलिटी टेस्ट दे देता हूँ तो क्या मेरी एलिजिबिलिटी बार बार चेक की जानी चाहिए? अगर सेंट्रल द्वारा सी टेट के द्वारा इस बात को जाँच लिया गया है और मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि हाँ मैं सी टेट क्वालिफाइड हूँ, इट मीन्स कि मेरे पास वो कॉम्पिटेंसीज हैं, मेरे पास वो क्वालिफिकेशंस हैं कि भाई मैं एक शिक्षक बनने योग्य हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, इसका यही मतलब है, सिंपल सी बात है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का यही मतलब हुआ। अब हर स्टेट वापस से इसी चीज़ को क्यों चेक करती है? तो चूंकि मैं भी इस बार सवाल से काफ़ी परेशान रहता था, मुझे भी लगता था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए खासकर अभी जो झारखंड टेट होने वाला था उसके बाद जो मैटर है वो कोर्ट में गया, जिसमें कि इसी मुद्दे पर केस किया गया है कि अगर एक बार सीटेट कोई व्यक्ति दे रहा है तो फिर उसको दोबारा से टेट देने की क्या ज़रूरत है, जबकि सीटेट भी एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो वो हर स्टेट में वैलिड होना चाहिए। आप ये देखिए, अगर मैं बात करूँ स्पेशल झारखंड टेट की, तो आपको पता होगा जो झारखंड टेट है वो 2016 से अभी तक हुआ नहीं है और अब 2024 में होने जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 8 साल आप कह सकते हैं, तो ये 8 साल बाद ये झारखंड टेट करा रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने कुछ नहीं कराया और अब ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ झारखंड टेट जिनका पास है वही अप्लाई करेंगे और वही एलिजिबल होंगे। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग जो खुद झारखंड के ही हैं, मैं स्पेशल बात करूँ वहाँ के लोगों की, तो आप इसे ऐसे समझिए कि झारखंड के लोग हैं उन्होंने भी इतने सालों से, क्योंकि सीटेट तो कंटिन्यू हो रहा है तो सीटेट तो उनमें उनका होगा ही, लेकिन झारखंड टेट क्योंकि नहीं हुआ है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका झारखंड टेट नहीं होगा। अब चूंकि ये इतने साल बाद झारखंड टेट हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि इनका रिजल्ट 50% चला जाता है या 70% चला जाता है, जनरली इनका जो रिजल्ट होता है वो 10% 15% के बीच में होता है। तो ऐसे में क्योंकि ये सरकार की गलती है यहाँ पर कि मौका ही नहीं दिया गया बच्चों को, झारखंड टेट लिया ही नहीं गया और आप एकदम से वैकेंसीज निकालने के बारे में कहते हैं कि वैकेंसीज निकालेंगे और उससे पहले झारखंड टेट लेते हैं और कहते हैं कि झारखंड टेट ही वैलिड होगा, सीटेट वैलिड नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये झारखंड के लोगों के साथ ही गलत है, बाहर के लोगों की बात तो हम बाद में करेंगे कि भाई सीटेट तो कैसे, खैर जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी सीटेट उनके पास है तो एक डर बना ये रहता है कि भाई बाहर के लोग झारखंड में आकर के वैकेंसीज ले लेंगे, तो वो तो एक अलग मैटर है, उसके लिए आप डोमिसाइल यूज़ कर सकते हैं, डोमिसाइल पॉलिसी लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये खुद वहाँ के लोगों के लिए भी गलत हो रहा है।
तो स्पेशल केस हो गया झारखंड का। इससे थोड़ा अगर हम अलग हट के बात करें, एक जनरल बात करें, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप और हमारे हम सबके लिए और हमें विचार भी करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब एक ही मत रखते होंगे कि अगर किसी शिक्षक की एलिजिबिलिटी एक बार टेस्ट हो जाती है, अगर वो सीटेट के द्वारा हो, तो क्या जरूरत है हर एक राज्य को बार बार सीटेट सॉरी बार बार अपने स्टेट का टेट लेने की। मेरे हिसाब से ये गलत है। तो खैर मुद्दा यही था, और इसी चीज़ को लेकर के कोर्ट में केस भी हुआ था, और आज उस पर उम्मीद थी कि फैसला आएगा। तो जहां तक बात करें कि दो पक्ष थे, एक वो जो चाहते थे कि सीटेट को हर जगह वैलिड किया जाए, और एक वो जो चाहते थे कि नहीं, टेट जो है वही ठीक है, उसी को माना जाए। अब जो टेट को लेकर के थे, उन्होंने अपनी अपनी दलीलें पेश कर दी कि भाई टेट जो है उसमें एनसीटी की गाइडलाइंस हो गई, उसमें साफ साफ मेंशन है कि भाई टेट अपना हिसाब स्टेट अपने हिसाब से देखेगा, इसके अलावा अगर रिसोर्सेज नहीं हैं या स्टेट टेट नहीं करा पा रहा है तो स्टेट के ऊपर है कि वो सीटेट को वैलिड माने या ना माने, इस तरीके की दलीलें दी गई। वहीं दूसरी तरफ बात करें जो सीटेट के लोग हैं, उनका भी ये मत था कि भाई सीटेट एक बार अगर आप कंडक्ट करा रहे हो, एक बार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, तो बार बार कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक बच्चे का जो समय होता है वो तो वेस्ट होता ही है। देखिए मैं तो पैसे से महत्वपूर्ण मानता हूँ समय को, कि एक बच्चे ने जो समय अपना लगा दिया, एक बार सीटेट दिया फिर टेट दिया, क्योंकि जनरली कोई भी एक एग्जाम होता है, कोई भी टेट होता है, उसमें कम से कम 6 महीने तो हमारे चले ही जाते हैं, तो एक बच्चे ने अपना जो समय दिया वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो उसका व्यर्थ होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पैसे भी उसके चले जाते हैं, क्योंकि जनरली फीस 1000-1500 से कम नहीं होती है, और अगर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है एग्जाम देने तो उसका खर्चा फिर अलग हो जाता है। उसके अलावा मेंटल प्रेशर हो गया, बाकी चीज़ें ये अलग हैं जो उसको झेलनी पड़ती हैं। तो अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही गलत है, और मुझे लगता है कि सीटेट को ही मान्य रखा जाए हर जगह, सीटेट ही एकमात्र एग्जाम होना चाहिए सभी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर बाकी जो भी चीज़ें हैं वो तो फैसला कोर्ट सुनाएगी, लेकिन आज की जो दलीलें थी उससे काफ़ी हद तक ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद जो फैसला है वो सीटेट वालों के पक्ष में आ जाए कि हाँ सीटेट को हर जगह वैलिड किया जाए, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप एक बात समझिए कि सीटेट को अगर वैलिड किया जाता है हर जगह तो बाकी जो स्टेट वाले हैं वो भी फिर ऑब्जेक्शन उठा देंगे, वो भी फिर कोर्ट में चले जाएंगे, उनकी फिर अपनी दलीलें हो जाएंगी, एनसीटी को अपने नोटिफिकेशन जारी करके संशोधन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। तो फैसला देखते हैं क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें तो कोर्ट के ही आदेश के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन उम्मीद है कि फैसला ठीक हो। मैं तो यही कहूँगा कि मैं इस पक्ष में हूँ कि फैसला अगर सीटेट वालों के पक्ष में आए कि सीटेट को हर जगह वैलिड माना जाए, तो इससे मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। सीटेट के साथ साथ जो स्टेट अपना टेट कराती है उसको भी वैलिड कर दें, तो इससे क्या है कि दोनों ही बच्चों का फायदा होगा, सिर्फ सीटेट वैलिड ना करके जो एग्जाम्स अब तक हो चुके हैं उस स्टेट में, उस स्टेट का टेट जिन बच्चों ने अब तक दे रखा है उनको भी पूरा मौका दिया जाना चाहिए। तो बाकी चीज़ें क्या होंगी जैसे भी रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए काम की रही होगी, आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।